हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, मैं आप सबके लिए एक बैच लेकर आने वाली हूँ, वो है म्यूजिक का बैच। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसटीटी और बीपीएससी टीआरई 3.0 दोनों का ही पेपर जो है वो मार्च में होना है। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या करें, कैसे प्रैक्टिस करें और कैसे तैयारी करें, और इतना कम लिमिटेड टाइम में आप कैसे तैयारी हो पाएगा। तो देखिए, जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने बताया है कि बीपीएससी में जो है वो एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो एनसीईआरटी को पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है वो आप सबको पता है, और इतने कम टाइम में आप एक बार पढ़ेंगे फिर वो सब कुछ को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर प्रैक्टिस करना उसके ऊपर, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं मिलते, क्वेश्चंस बैंक नहीं मिलते मार्केट में। तो देखिए, मैं एक आपके लिए बैच लेकर आने वाली हूँ, जिसमें क्या है कि पहले मैं आपको एनसीईआरटी की या फिर सिलेबस के थ्रू एनसीईआरटी को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पूरी एनसीईआरटी का नोट्स के साथ आपको ये देख सकते हैं आप। ये सांगीतिक शब्दावली है जो कि आपको पता है कि जो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बीपीएससी के एग्जाम्स में या म्यूजिक स्टेट की टीईटी के एग्जाम में भी, मतलब इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। और पैटर्न तो मुझे लगता है आई होप आपको पता ही होगा कि जो एसटीईटी है उसमें क्या है कि 100 क्वेश्चंस आपका म्यूजिक का रहने वाला है, और इसमें आपको क्वालिफाइंग क्योंकि ये क्वालिफाइंग होता है तो आपको क्वालिफाई मार्क्स ही लाना है। तो म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अदर सब्जेक्ट्स पे उतना अगर ध्यान आप नहीं भी दे पाते हैं तो कोई बात नहीं। और जो बीपीएससी है उसमें क्या है कि जो 80 मार्क्स का है आपका, 80 मार्क्स का म्यूजिक, 80 क्वेश्चंस आपका म्यूजिक का रहने वाला है। तो म्यूजिक जो है वो बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करने वाला है दोनों ही, एसटीईटी में भी और टीआरई 3.0 और 4.0 में भी। तो आपको यहाँ पे मेरे क्लास में क्या मिलने वाला है, तो इस तरीके से आपको पूरा एनसीईआरटी का आप देख सकते हैं। अभी तो मैंने आपको दो ही दिखाए हैं, ये राग परिचय का है, और जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था ये है सांगीतिक शब्दावली का। तो इस तरीके से क्या है कि पूरी बुक की नोट्स के साथ आपको जो ये नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, और साथ में डेली जो है वो 80 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मैं करवाने वाली हूँ अभी से लेकर एग्जाम तक, और एकदम भी एक भी दिन मिस नहीं होने वाला है। आप सभी के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, और प्राइस तो बिल्कुल बहुत ज्यादा लो है, तो आप लोग बेफिक्र होके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, अब ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चंस जो है इस तरीके से यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि क्वेश्चंस करवा रहे हैं उनका आंसर बता रहे हैं, ऐसे नहीं मैं बताने वाली हूँ। मैं आपको कैसे दूंगी, तो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दूंगी, आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर आपको सॉल्व करना होगा। तो ये आपके एग्जाम के लिए कितना ज्यादा, आप ग्रुप में कर रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि ऐसे ही बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। तो अब किसी को भी क्वेरी है कि मैं कैसे ज्वाइन करूं, कैसे क्या करूं, तो आप लोगों को जो है क्या करने, क्या फीस होगी, इस रिगार्डिंग आप मुझे मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। कैसे, तो व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप की लिंक जो है वो आपको कमेंट में प्रोवाइड कर दी गई है, वहां से डायरेक्टली आप लिंक पे क्लिक कीजिए और डायरेक्टली व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप वहां जाकर पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।